जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। गर्मियाँ आ गई हैं तो इसलिए वो मैं कपड़े रखने ऊपर गया था, चादर और वो जैकेट वगैरह। तो ये इधर बिलाल साहब लेटे हुए हैं। बिलाल साहब क्या हुआ है आपको? तो अभी कैसी है तुम? ये तो मेडिसिन ली है कि नहीं? अभी नहीं। क्या करी जा रहे हो? तो मोटू पतलू कार्टून देखे जा रहे हैं। तो बुखार इसे हुआ है, तो जब कार्टून वगैरह देखता है तो तभी खुश रहता है, वरना बाहर फिरता रहता है धूप में, तो इसलिए बुखार हो जाता है। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं गटवाला पार्क, फैसलाबाद फॉरेस्ट पार्क उसका नाम है। तो काफ़ी मैंने देर से सोच रहा था कि किस दिन टाइम निकालूँ और व्लॉग बनाऊँ उधर का, तो बहुत ही उधर मज़ा आने वाला है व्लॉग करने का। आज का व्लॉग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा, क्योंकि हम उधर काफ़ी मज़ा करेंगे। तो जाना तो हमने कार पर ही था, लेकिन हुआ कुछ यूँ, जो कार है वो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो शायद कोई मसला बना हुआ था। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैंने इसलिए कहा कि यार ऐसा करते फिर बाइक्स पर ही चले जाते, फिर कभी कार पर सही। तो उन्होंने कहा ठीक है, दो बाइक्स हैं न्यू, या एक फरहान के पास और एक असलान के पास, उन दोनों पर हम चले जाएँगे। तो काफ़ी मज़ा आएगा। आज का व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे उधर मैं सीन्स कैच करूँगा आप सबके लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंतहाई दिलचस्प वीडियो होगी, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं फिर गटवाला की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर गटवाला पार्क में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ हैं भाई अता, ये इधर भाई अता, तो ये इधर हैं भाई अरसलान, तो ये इधर हैं भाई फ्रान। तो यार आज फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है, हम सारों चारों इकट्ठे मिलकर आज वीडियोस बनाएंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा। जो इधर फोटोग्राफी वगैरह हो रही है, तो ये अता भाई इनको खुड़े वाले से इधर से लिया था काम से, तो इनकी बहुत मेहरबानी हमारे साथ इधर से आए, क्योंकि यार हमारे बचपन में भी साथ दोस्त होता था, तो इसलिए इसके बगैर हमें किसी काम में मज़ा नहीं आता। तो अभी हम इंशाल्लाह इधर इकट्ठे घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे और खूब मज़े करेंगे। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, झूले लेंगे। तो यार मैंने आपको कुछ सीन थोड़े बहुत दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, शॉर्ट है, तो घर में बताया भी नहीं है अभी, तो अभी घर जाकर जो मुझे डांट पड़नी है वो मुझे ही पता है। तो अभी चलते हैं फिर सैर करने के लिए। तो ये अंदर वाली साइड है पार्क की, तो काफ़ी माशाल्लाह लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे इधर मस्ती कर रहे हैं। तो इधर लैडर्स और भी काफ़ी झूले हैं, तो अभी हम भी स्लाइडिंग का करने लगे हैं प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं इधर दूसरी वाली साइड पर, तो इधर एक झील बनी हुई है, ये उसके ऊपर पुल है जिस पर हम चल रहे हैं। तो इसके जो आसपास का सीन है बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी लुक इधर से आ रही है। तो अभी आपको मैं साइड का सीन चेक करवाता हूँ इधर से। ये आप देखें झील कितनी प्यारी नज़र आ रही है इधर से। तो इधर इसके साथ ही बतखें और दूसरे जानवर हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है बतके तैरती हुई पानी में। तो ये बाहर निकल रही है, कैसा प्यारा सीन है। तो इधर इसकी साथ पिंजरा है, तो उधर खरगोश रखे हुए हैं। ये देखे कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। तो और भी जानवर हैं कुछ, वो भी मैं दिखाता हूँ। साथ इसके इधर चकोर है, ये देखें काफ़ी माशाल्लाह, ये भी प्यारी नज़र आ रही है। अच्छा तो यार एक पार्टी आई हुई है इधर पिकनिक के लिए, तो वो डांस कर रहे हैं, तो आ जाएं देखते हैं फिर। इधर ना घूम घूम कर थोड़ी सी भूख भी लग रही है और प्यास भी महसूस हो रही है, तो इसलिए अभी प्रोग्राम बन रहा है कि क्या खाए पिए। तो एक कंटीन है उधर, तो उधर चलकर फिर देखते हैं कि क्या खाने पीने का प्रोग्राम है फिर। हाँ ही लेस खा रहे हैं बोतल ले थी यार, कुछ तो खाना चाहिए ना जो भूख लगी हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सैर वगैरह हमने कर लिया, तो आपको भी खूब इंटरटेन किया। तो अभी हम जा रहे हैं घर को वापस। तो क्या है आपकी चाबी गाड़ी की गार्ड के पास है, मेरा भरा ये चाबी मोटरसाइकिल दी बेच छड़ गया सी, ते इहदे हुण पैनियां भी चाहीदियां, इहदे हुण सिटणियां भी सी। बोतल पिला के पहले बोतल पिला दे। बड़े अच्छे गार्ड साहब हैं भाई, इन्होंने ना चाबी मारी संभाल के रखी, तो हम चाबी ले रहे हैं, तो इसके बाद चाबी ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ चुके हैं। अता को उधर खुड़े वाला छोड़ दिया था, तो काफ़ी अंधेरा भी हो गया था आते आते, घर वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ, मेरे जो है ना फ़ोन के सिग्नल वो नेटवर्क आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या बात हुई। तो फ़ोन भी करते रहे तो उनको बताया ना गया फिर, तो पहले भी मैं बता कर घर गया ही नहीं था, इसलिए काफ़ी टेंशन हो रही थी। तो ता को भी हमने उधर घर छोड़ा हुआ, उधर कुछ चूँकि वो जब हमने बाइक उधर खड़ी की ना, तो मुझे याद ही नहीं रहा चाबी निकालने का, चाबी उसके अंदर ही रही, वो गार्ड ने भी रख ली। बाद में शुक्र है उसने उधर स्टैंड पर लिख दिया कि गाड़ी की चाबी गार्ड के पास है, तो आकर गार्ड से ले लें। तो फिर जनाब उसको बोतल पिलाई, तो उसके जब हम वीडियो बना रहे थे उसको डर था कि शायद मुझे पकड़वाना है, तो हमने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, तो हम ब्लॉगर हैं। तो फिर उन्होंने हमारा चैनल भी देखा, तो उनको फिर बोतल के पैसे दिए, तो फिर उधर से निकले। वो आ जोड़ रहे थे कि यार जाओ जाओ कोई बात नहीं, तो आपने देखा होगा वीडियो में, पर
फिर उनके साथ थोड़ा शुगर मेला हुआ तो फिर काफ़ी मज़ा आया उधर। तो उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आते ही कपड़े चेंज किए, काफ़ी डस्ट चेहरे पर भी पड़ गया था तो कपड़े गंदे हो गए थे, मैंने कहा रात को आराम से सोएंगे। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। तो अपने दोस्त मीर साद को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।